All of you, today in this session, first of all, we have discussion about types of parasite. आज के इस सेशन में हम टाइप्स ऑफ पैरासाइट देखेंगे कि हमारे जो परजीवी हैं वो कितने प्रकार के होते हैं. परजीवी पर मीन्स होता है अदर, दूसरों पर. परमिस क्या होता है? दूसरों पर. जीवी मीन्स होता है जीव, ऐसे जीव जो दूसरों पर रहकर अपना नरिशमेंट उससे प्रोवाइड करते हैं, ऑब्टेंड करते हैं. सच टाइप ऑफ ऑर्गेनिज आर नोन एज पैरासाइट. इस प्रकार के हम जीवों को, इस प्रकार के हम ऑर्गेनिज को पैरासाइट बोलते हैं. अब ये पैरासाइट हम देखेंगे कि कितने टाइप के पैरासाइट हमारी धरती पे पाए जाते हैं, कितने टाइप्स के जो पैरासाइट्स हैं अलग अलग जीवों पर, अलग अलग ईरा पर, अलग अलग रीजन पे पाए जाते हैं, और उनका क्या रोल होता है, सिग्निफिकेंट रोल क्या होता है, क्या उनका डिसएडवांटेज होता है, क्या साइड इफ़ेक्ट मेजर होती है, आज के इस सेशन पे हम क्लेरिफाई करेंगे. और जो डिजीज काज करते हैं, जो हमारे मेडिकल साइंस में रोल प्ले करते हैं, उसको भी हम इस सेशन में देखेंगे. तो चलिए पॉइंट पर आते हैं. टाइप्स ऑफ पैरासाइट्स की अगर हम बात करेंगे तो टाइप्स ऑफ पैरासाइट जो होते हैं वो दो प्रकार के मेंशन हैं. कितने प्रकार के होते हैं? टू टाइप्स के होते हैं. द फर्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन. ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन यानी कि उनके हैबिटाट के आधार पर इस पैरासाइट को क्लासिफाई किया गया है. नेक्स्ट हमारा ऑन द बेसिस ऑफ होस्ट. होस्ट मीन्स क्या होता है? जो हमारे पैरासाइट होते हैं दूसरे के ऑर्गेनिज पर रहते हैं और उससे नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, पोषण प्रोवाइड करते हैं और उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाते. इस टाइप के पैरासाइट को हम बोलते हैं होस्ट. होस्ट इसको दिमाग में आप रख लीजिए कि होस्ट क्या होता है. These are host. चलिए पहला क्लासिफिकेशन हम देखते हैं. इक्टोपैरासाइट क्या है? इक्टोपैरासाइट देखते हैं. अगर हम इक्टोपैरासाइट की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? इक्टोपैरासाइट. चलिए इक्टोपैरासाइट जो होते हैं लिव्स आउटसाइड देयर होस्ट. ये होस्ट के बाहर रहते हैं. कहाँ रहते हैं? ये होस्ट के बाहर रहते हैं. नेक्स्ट इसके एग्जांपल अगर हम बात करेंगे तो इसके एग्जांपल होते हैं टिक्स एंड माइट. अगर हम बात करेंगे जो दीमक होते हैं, लकड़ियों को खा जाते हैं, उसमें प्रोटोजोआन मेंबर पाए जाते हैं उनके सलाइवा में, जिससे वो सेलुलोजिक मटेरियल को डाइजेस्ट कर देते हैं. जो हमारे पेड़ पौधे जो पाए जाते हैं वो सब सेलुलोज हैं. वो जो डेंस मास पाई जाती है हमारे प्लांट्स में वो सेलुलोज होता है. और सेलुलोज को हम अगर बायोकेमिकल के फॉर्म में अगर बोलेंगे, बायोकेमिस्ट्री के फॉर्म में बोलेंगे, तो दीज आर नॉन शुगर होते हैं, जो कि हम बायो मालिक्यूल में पढ़ते हैं क्लास 11th स्टैंडर्ड में. तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं. इसके एग्जांपल की अगर हम बात करेंगे तो इसके एग्जांपल टिक्स एंड माइट होते हैं, जो दीमक होते हैं. दीमक जो हमारी लकड़ियां होती है वो उसको डिग्रेडेड कर देता है और डिकम्पोज करके उसको मिट्टी में बना देता, कन्वर्ट कर देता है. नेक्स्ट अगर हम इसके थर्ड पॉइंट की बात करेंगे तो थर्ड पॉइंट जो है इसका एग्जांपल और होगा, फ्लीज भी होती है, लाइसेस भी होती है जिसको जुआ कहते हैं, और फ्लीज भी होती है जो कि हाउस फ्लाई की स्पीसीज होती है. फ्लीज जो होती है वो हाउस फ्लाइज की स्पीसीज हो गई. और इसमें जो लाइस है वो उसको हम जुआ बोलते हैं, जो कि हमारे हेयर में पाए जाते हैं. नेक्स्ट है हमारा लीच. लीच मीन्स होता है जोंक जो ये हमारे फ्रेश वाटर हैबिटाट में पाए जाते हैं, जैसे कि हमारे पोंड हो गए. पोंड भी खासकर ये पाई जाती है वहाँ पे. भैंस जब ये हॉट क्लाइमेटिक कंडीशन होती है तो भैंस को बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, जिसके वजह से उसको मतलब बाथिंग करना होता है मड वगैरह में. तो मड वगैरह ज़्यादातर मतलब पोंड में ही मिलते हैं उसको, और पोंड ही उसके लिए सूटेबल होते हैं, इसलिए पोंड में वो बाथिंग करने जाती है. और जब वो बाथिंग करने जाती है वहाँ पर लीच इक्टोपैरासाइट पाए जाते हैं और भैंस पर इंजेक्ट कर देते हैं और उससे ब्लड सकिंग करते हैं. लीच जो होते हैं उनको सेंजीओरस कहते हैं. क्या बोलते हैं इसको? सेंजीओरस. एस ए एन जी आई V
VOROUS, सेंजियोरस। सेंजियोरस मीन्स होता है ब्लड सकिंग ऑर्गेनिज, ऐसे ऑर्गेनिज जो ब्लड सक करते हैं, क्या करते हैं, ब्लड सक करते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज जो ब्लड सक करते हैं उस प्रकार के ऑर्गेनिज को हम सेंजियोरस बोलते हैं। और जिस जो हमारा एग्जांपल है लीच है, लीच जो होता है हमारा सेंजियोरस होता है। नेक्स्ट नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो हमारा एक इंडो पैरासाइट आता है, ऐसे पैरासाइट जो इंडो पैरासाइट होते हैं, मींस सच टाइप ऑफ पैरासाइट्स आर फाउंड इन इनसाइड ऑफ द ऑर्गेनिज, ऑर्गेनिज के जो अंदर पाए जाते हैं इस प्रकार के पैरासाइट को हम इंडो पैरासाइट बोलते हैं। इंडो फार होता है इनसाइड, इंडो फार इनसाइड, ENDO, इंडो वर्ड आपको कहीं पर भी मिले तो समझ लीजिए कि ये इनसाइड की बात कर रहा है, अंदर की बात कर रहा है। वेयर एज पैरासाइट विन पैरासाइट आप जानते हैं, पैरासाइट विन परजीवी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो इंडो पैरासाइट की अगर हम बात करेंगे तो इंडो पैरासाइट में हमारे आते हैं लिव्स इनसाइड देयर होस्ट। इंडो पैरासाइट मीन्स होता है ऐसे पैरासाइट्स जो होस्ट बना करके उस ऑर्गेनिज के अंदर रहते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंट्रा सेलुलर। नेक्स्ट हमारा क्या है, इंट्रा सेलुलर, ऐसे पैरासाइट जो इंट्रा सेलुलर होते हैं। इंट्रा सेलुलर में सब लेते हैं, इंट्रा फॉर होता है इनसाइड, इंट्रा फॉर इनसाइड, सेलुलर फॉर सेल्स, यानी कि जो सेल्स के अंदर पाए जाते हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम इंट्रा सेलुलर बोलते हैं। चलिए इंट्रा सेलुलर देखते हैं। अगर हम इंट्रा सेलुलर की बात करेंगे, लिव्स इनसाइड ऑफ दियर होस्ट सेल। देखिए अभी हमने जो समझाया है अभी आपको वही बातें फिर घुमा फिरा के बोल रहा है, कह रहा कि इनसाइड सेल्स ऑफ दियर होस्ट, ऐसे पैरासाइट जो हमारे सेल्स के अंदर होस्ट बनाकर रहते हैं उसको हम इंट्रा सेलुलर पैरासाइट बोलते हैं। उसका एग्जाम्पल हमारा एग्जाम्पल होगा इंट्रा सेलुलर का वायरसेस होगा, मलेरिया होगा, प्लास्मोडियम होगा, मलेरियल प्लास्मोडियम होगा और इंटमीबा हिस्टोलिटिका होगा, उसके साथ साथ इंटमीबा हिस्टोलिटिका। इस पे तीन पॉइंट हमारे आए हैं, एक वायरसेस आए, एक मलेरियल प्लास्मोडियम और एक इंटमीबा हिस्टोलिटिका है। तो चलिए हम आपको यहीं पर ही इसका डायग्नोस्टिक फीचर बता देते, इसका रोल बता देते कि ऑर्गेनिज में क्या होता है। वीडियो थोड़ा लंबी हो जाएगी उसके लिए आप परेशान मत होइए, लेकिन आप एक यूनिक नॉलेज लेकर जाइए खान क्लासेस से, मुजीब सर से आप एक यूनिक सिग्निफिकेंट नॉलेज लेके जाइए कि जो भी आपको कहीं पर भी जाए, मेडिकल हॉल में जाए या कहीं पर भी रहें, किसी भी इलाके में रहें और अपनी आप नॉलेज को परफॉर्म करें, तो ये नॉलेज आपको यहीं से मिल सकता है और कहीं से नहीं मिल सकती है। तो चलिए टॉपिक पर आते हैं। वायरसेस की अगर बात करेंगे तो वायरसेस जो होते हैं ये इन्फेक्टिव एजेंट होते हैं, यानी कि एयर ब्रोन, वाटर ब्रोन, फूड ब्रोन, ये किसी भी माध्यम से, क्योंकि ये माइक्रो ऑर्गेनिज होते हैं जो हमें ये नेकेड हाइस से नहीं दिखाई देते हैं। सच टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज आर कैन सीन वाया टेक्निकल टाइप इंस्ट्रूमेंट डेट इज माइक्रोस्कोप। इसको टेक्निकल टाइप इंस्ट्रूमेंट से देखा जा सकता है जिसका नाम है माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अगर हम वायरसेस की बात करेंगे, अभी फिलहाल जो ये कोविड प्रोटोकॉल चल रहा था इसमें ये जो वायरस का रोल बहुत ही तेज़ी से हमारी धरती में फैल हुआ रहा था और बहुत सारे लोगों का इन्होंने जान ले लिया। तो चलिए वायरसेस के बारे में जानते हैं। तो वायरसेस की अगर हम बात करेंगे, जो कोविड प्रोटोकॉल आया था, कोविड जो कोरोना वायरस के नाम से जाना जाता था, ये जो कोरोना वायरस होता है ये कोविड-19 से होता है। ये जो कोरोना वायरस है इसका जो पॉजिटिव एजेंट है, पैथोजेनिक एजेंट की अगर हम बात करेंगे, जिससे ये कॉज करता है, ये जो हमारा वायरस है, ये जो कोरोना वायरस बीमारी कॉज करता है उसको हम बोलते हैं कोविड-19। तो ये कोविड-19 वायरसेस हैं। तो चलिए वायरसेस के बारे में देख लेते हैं। अगर ये फ्रीली मैनर में पाया जा रहा है, अगर ये कहीं पर भी किसी भी हैबिटेट में फ्रीली मैनर में पाया जा रहा है, तो ये आपको ऐसा लगेगा कि ये डेड है, मरा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जैसे ही ईयर हवा के थ्रू, ईयर ब्रोन के थ्रू हमारे बॉडी में ये इंटर कर जाता है, या वाटर के थ्रू हमारे बॉडी में इंटर कर जाता है, या किसी भी माध्यम से ये अटैक हो जाता है हमारे बॉडी में, इंटर कर जाता है, तो ये एक्टिव फेज में हो जाता है, जिसको हम लिविंग बोल देते हैं। जैसे ही हमारी बॉडी में इंटर करेगा ये इफेक्टिव मेजर और ये एक्टिव मेजर शो करेगा।
तो अगर ये फ्रीली हैबिटेट में पाया जाता है तो इसको हम डेड बोल सकते हैं, यानी कि ये इनएक्टिव फेज में होता है। जैसे हमारी बॉडी में ये इंटर करेगा वैसे ये एक्टिव फेज में हो जाएगा। तो ये वायरसेस की मेन कैरेक्टरिस्टिक, मेन फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, इसको आप नोट कर लीजिए। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं। एक एड्स है जिसको बोलते हैं एड्स स्टैंड फॉर एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, जो कि एचआईवी वायरस से होता है। सबसे पहले इसको रिपोर्ट किया था अमेरिका में, लेकिन उससे पहले इससे पहले अफ्रीका में देखा गया था, क्योंकि अफ्रीका में जो मंकीज होती हैं उसमें ये एचआईवी वायरस रिपोर्ट किया गया था। और ये फर्स्ट रिपोर्ट किया, ये तो अफ्रीका में तो ये पहले हुआ था, मतलब अफ्रीका में तो इन्फेक्टिव मेजर हुआ था, लेकिन ये फर्स्ट रिपोर्ट किया गया था अमेरिका में। तो चलिए उसको बाद में इसको डिटेल देखते हैं कि एड्स क्या होता है, तो आगे देखते ही रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा मलेरियल प्लास्मोडियम। चलिए मलेरियल प्लास्मोडियम आपको हम बता देते हैं क्या होता है। इसमें जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मलेरियल प्लास्मोडियम। तो अगर हम मलेरियल प्लास्मोडियम की अगर हम बात करेंगे तो मलेरियल प्लास्मोडियम जो होता है ये मलेरिया मॉस्किटो के बाइट करने से, ये मलेरिया नहीं होता है ना, मॉस्किटो के बाइट करने से हमें डेंगू होता है, बल्कि ये डर्टी हैबिटेट पे पाए जाते हैं। मलेरिया का ही मतलब होता है, चलिए देख लेते हैं। मलेरिया फार होता है, मलेरिया दो वर्ड से डिराइव हुआ, कितने वर्ड से बना हुआ है, दो वर्ड से बना हुआ है, जो ये अपने आप में ही क्लेरिफाई कर दे रहा है। तो चलिए देखते हैं। मल मीन्स होता है डर्टी हैबिटेट। मल मीन्स क्या होता है, डर्टी प्लेस और डर्टी हैबिटेट। वेयर एज द सेकेंड वर्ड इज एरिया। एरिया फार होता है प्लेस, रीजन, इरा, हैबिटेट। यानी कि डर्टी प्लेस पे प्लास्मोडियम का पाया जाना, ये जो मॉस्किटो होती है, जो फीमेल एनाफिलीज होती है, पहली बात तो ये जान लीजिए जो मतलब फीमेल एनाफिलीज होती है वही ब्लड सक करती है। दो प्रकार के जो हमारे मॉस्किटो टू इंडिविजुअल पाए जाते हैं, टू सेक्स, डेट इज मेल एंड फीमेल। मेल ब्लड सक नहीं करता, इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिए। जो मेल मॉस्किटो होता है वो कभी ब्लड सक नहीं करता, जो फीमेल मॉस्किटो होती है वही ब्लड सक करती है। इसलिए वो ब्लड सक करती है क्योंकि हमारा जो ब्लड होता है वो प्रोटीनस एजेंट होता है, क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन पाए जाते हैं। हीमोग्लोबिन इज ए मेन सोर्स ऑफ प्रोटीन, उसके बारे में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे क्योंकि इस वीडियो हमारा लंबा चौड़ा बन जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और इस प्रोटीन को ये ऑब्टेन करने के लिए, ग्रहण करने के लिए, ये ह्यूमन पर, ये एनिमल पर ब्लड सक करती है, एनिमल पर ये अटैक करती है और उससे अपना ब्लड लेती है। और जब ये ब्लड लेती है तो उसका जो एग फॉर्मेशन होता है, इसी प्रोटीन से वो एग फॉर्मेशन होता है, जिससे कि वो रिप्रोडक्टिव स्टेज में जाती है और वो एग लेइंग देती है। उस पानी जो है स्टोर्ड होते हैं हमारे कैन में, हमारे ड्रेन में, नालियों में, हमारे तालाब में, वहाँ पे अंडा लेइंग करती है, छोड़ती है, और फिर उससे लार्वल फेज हैच होते हैं और फिर वो एडल्ट फेज मॉस्किटो में डेवलप हो जाते हैं, उसको हम आगे देखेंगे। तो ये जो हमारे मतलब अलग अलग टाइप के जो डिसऑर्डर हैं, डेट इज मलेरिया, डेंगू, ये सब मॉस्किटो से नहीं होते, ना फाइलेरिया ही मॉस्किटो से होता है, बल्कि एक प्रकार का वेक्टर है। क्या है, वेक्टर। वेक्टर मीन्स होता है वाहक। वेक्टर मीन्स क्या होता है, वाहक। ये एक प्रकार का साधन है। क्या है, साधन। चलिए देख लीजिए, ये एक प्रकार का वेक्टर है। क्या है, वेक्टर। वेक्टर या इसको कैरियर बोल सकते हैं, कैरियर। मॉस्किटो एक प्रकार का कैरियर है जो कि प्लास्मोडियम को लेकर आती है, जो कि डेंगू फीवर को कॉज करने वाले, डेंगू फीवर को कॉज करने वाले जर्म्स को ये लेकर आती है। ये एक प्रकार का कैरियर है। और ये डर्टी प्लेस पे हमारे प्लास्मोडियम पाए जाते हैं। मलेरिया जो होती है वो प्लास्मोडियम से होता है। किससे होता है, प्लास्मोडियम से। और ये जो हमारे फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो होती है, हमारा वेक्टर है या कैरियर है, और उस प्लास्मोडियम को उस डर्टी प्लेस से लेकर आती है। और जब वो ब्लड सक करती है तो हमारे उस पोर्शन पे इन्फेक्टिव एजेंट हो जाता है, इंजर्ड हो जाती है, जिससे कि आसानी से वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो प्लास्मोडियम हमारे बॉडी में इंटर हो जाता है। प्लास्मोडियम एक प्रकार का क्या है, प्रोटोजोआ है। ये भी आप पॉइंट समझ लीजिए, प्लास्मोडियम जो हमारा है एक प्रकार का क्या है, प्रोटोजोआ मेंबर है। आर यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है हमारा इंटमीवा हिस्टोलिटिका। क्या है,
नेक्स्ट है हमारा इंटमीबा हिस्टोलिटिका। इंटमीबा हिस्टोलिटिका की अगर हम बात करेंगे तो ये इंटमीबा हिस्टोलिटिका ये अमीबिक डिसेंट्री कॉज करता है। क्या कॉज करता है? अमीबिक डिसेंट्री। कभी भी आप मतलब आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा कि बिना हाथ धुले खाना खा लिया होगा, या आप किसी गार्डन में गए होंगे या किसी फील्ड में, वहाँ से कुकम्बर खीरा ककड़ी आपने तोड़ लाया होगा और उसको तुरंत वहीं पर ही खाने लगे या बिना धुले खाने लगे होंगे तो ये जो मतलब अमीबा होते हैं, ये अमीबा उस हैबिटेट पे उस डर्टी प्लेस से पाए गए और आपने बिना धुले और बिना उसको सैनिटाइज किए उसको खाए, जिसके वजह से आपको अमीबिक डिसेंट्री हो जाती है। तो इससे आप अमीबिक डिसेंट्री से बचने का मेन उपचार यही है कि जो भी आप फूड मटेरियल को इंटेक करें उससे पहले उसको अच्छे से सैनिटाइज या उससे उसको वॉश कर लीजिए ताकि उसमें जो जंग्स हैं वो उससे फ्री अवे हो जाएँ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अगर हम पैरासाइट की अगर बात करेंगे तो हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर होते हैं। क्या होते हैं? एक्स्ट्रा सेलुलर मीन्स ऐसे पैरासाइट्स, दोज पैरासाइट्स आर फाउंड इन आउट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, यानी कि उस ऑर्गेनिज्म के बाहर पाए जाएं, उसको हम एक्स्ट्रा सेलुलर पैरासाइट बोलते हैं। तो चलिए एक्स्ट्रा सेलुलर पैरासाइट देखते हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर पैरासाइट की अगर बात करेंगे तो लिव्स आउटसाइड ऑफ द सेल। इसमें पहला पॉइंट अभी बोला है जो मैंने पहले ही बता दिया आपको, तो लिव्स आउटसाइड ऑफ देयर सेल्स देयर होस्ट, यानी कि ऐसे पैरासाइट्स जो हमारे सेल्स के बाहर पाए जाते हैं, हमारे बॉडी के बाहर पाए जाएं, उसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर पैरासाइट। एक्स्ट्रा मीन्स होता है बाहर। अगर कहीं एक्स वर्ड आ जाए, अभी हमने बताया है कि जहाँ इंडो वर्ड आ जाए इनसाइड हो जाएगा, और जहाँ इग्जो वर्ड आ जाए ई एक्स फॉर एक्सटर्नल, एक्सटर्नल मीन बाहरी, इंडो मतलब इनसाइड अंदर अंदर की तरफ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो अगर बात किया गया इसके एग्जांपल की तो इसका टेप वर्म एग्जांपल होगा। अगर हम टेप वर्म की बात करेंगे तो ये टीनिया सोलियम होते हैं। टेप वर्म क्या होते हैं? इसका जूलॉजिकल नेम होता है टीनिया सोलियम, टी एस फॉर टीनिया सोलियम। ये जो टीनिया सोलियम होते हैं ये टेप वर्म इसलिए कहा गया क्योंकि ये टेप लाइक होते हैं, फीता की तरह होते हैं। जो फीता अब सूज में आपके सोल में पाया जाता है उसको, सूज को बाइंड करने के लिए, उसी के तरह ये उसी शेप में होते हैं, इसलिए इनका नाम टेप वर्म पड़ गया। टीनिया सोलियम भी एक टाइप का डिजीज कॉज करता है जिसको हम टीनियासिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टीनियासिस, जो कि हमारे नरिशमेंट को, ये जो भी हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन जो भी डाइजेस्टेबल फॉर्म एब्जॉर्बेबल फॉर्म या हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, क्योंकि कम्प्लीटली डाइजेशन हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। और ये टीनिया सोलियम भी जो हमारा टेपवर्म होता है ये भी इंडो, एक प्रकार का इंडो पैरासाइट है और हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है। और ये स्मॉल इंटेस्टाइन में वो सारे नरिशमेंट को, जो भी प्रोटीन है, फैट है, लिपिड है, कोलेस्ट्रॉल है, मल्टीविटामिन है, वो सबको ये क्या कर देता है? वो एब्जॉर्ब कर लेता है और फिर हमारे बॉडी में वो प्रोटीन वो विटामिन जा नहीं पाती है, जिसकी वजह से हमारे उस पेशेंट को या उस ऑर्गेनिज को टीनियासिस हो जाती है और वो बहुत पतला दुबला हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हुक वर्म। नेक्स्ट हमारा क्या है? हुक वर्म। नेक्स्ट है हमारा पिन वर्म। नेक्स्ट है हमारा ब्लड फ्लूक। नेक्स्ट है हमारा लिवर फ्लूक। अगर हम ब्लड फ्लूक की बात करेंगे तो ऐसे फ्लूक, ऐसे ऑर्गेनिज जो हमारे ब्लड में पाए जाते हैं, एक है हमारा लिवर फ्लूक जिसका नाम है फेसियोला हेपेटिका। ये लिवर फ्लूक इसलिए बोला गया क्योंकि ये लिवर में पैरासाइट, ये लिवर में पाया जाता है और इसका जूलॉजिकल नेम होता है फेसियोला हेपेटिका। लिवर फ्लूक का जूलॉजिकल नेम क्या होता है? फेसियोला, एफ आर फेसियोला, एच फॉर हेपेटिका, फेसियोला हेपेटिका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ देयर होस्ट, अगर ऑन द बेसिस ऑफ देयर होस्ट की अगर हम बात करेंगे तो ये ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है। चलिए ऑब्लिगेट पैरासाइट देखते हैं क्या होता है। ऑब्लिगेट पैरासाइट मीन्स होता है कैन नॉट सर्वाइव विद योर होस्ट। ऑब्लिगेट जो पैरासाइट होते हैं वो बिना होस्ट के सर्वाइव नहीं कर सकते, इसे किसी ना किसी ऑर्गेनिज पे होस्ट बनाकर उस ऑर्गेनिज पे रहना होगा तभी ये सर्वाइव कर पाएगा।
नेक्स्ट पॉइंट इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक मेन फीचर बोला गया है आल्सो कॉल्ड हेलो पैरासाइट, इसको होलो पैरासाइट बोला गया है। इसको क्या बोला गया? होलो पैरासाइट। अब होलो पैरासाइट क्या होता है? होलो मीन्स होता है कंप्लीट, पैरासाइट मीन्स होता है परजीवी। कंप्लीट पैरासाइट यानी कि पूर्ण रूप से पैरासाइट होता है। एब्लिगेट पैरासाइट जो होते हैं वो पूर्ण रूप से क्या होते हैं? परजीवी होते हैं। नेक्स्ट अगर हम इसकी बात करेंगे तो इसमें इसका भी एग्जाम्पल हमारा ब्लड फ्लूक होगा, लीवर फ्लूक होगा। नेक्स्ट इंटमीबा हिस्टोलिटिका होगा, मलेरियल प्लास्मोडियम होगा जो अभी हमने इंडो पैरासाइट में पढ़कर आए हैं, और उसके साथ साथ रस्ट होगा, स्मट फंगस होगा, मिल्ड्यूज होगा, वायरस होगा। इसमें मैंने सारी चीज़ें आपको बता चुके हैं। ब्लड फ्लू भी अभी हमने आपको डिटेल में आपको अवेयर करा दिया है, लीवर फ्लू भी हमने बता दिया है, इंटमीबा हिस्टोलिटिका भी मैंने बता दिया है, मलेरियल प्लास्मोडियम भी आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो रस्ट एंड स्मट फंगस और मिल्ड्यूज, ये तीन एग्जांपल मैं आपको नहीं बताया हूँ। और चलिए रस्ट देखते हैं, रस्ट क्या होता है? RUST, रस्ट। रस्ट जो होता है ये जो हमारे मोनोकॉटिलीडनस प्लांट होते हैं, खासकर हमारे जो व्हीट होते हैं, व्हीट एंड पैडी क्रॉप्स होते हैं, इसमें ये रस्ट ये एक टाइप का फंगस डिसऑर्डर है हमारे व्हीट मोनोकॉटिलीडनस प्लांट्स लाइक पैडी क्रॉप्स एंड व्हीट क्रॉप्स। ये धान और गेहूं का जो मतलब पौधा होता है उसमें ये फंगस पूरी तरीके से एक्टिव होता है और हमारे गेहूँ और धान के फसल को ये बहुत ही लार्ज स्केल पर नुकसान पहुँचाता है, इसलिए इसको रस्ट बोला गया है। रस्ट मीन्स ये पाउडर बना देता है उस जो हमारे सीरियल पाए जाते हैं, सीड जो पाई जाती है व्हीट और पैडी की सीड, उसको ये पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, जिसके वजह से इसको रस्ट बोला गया है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे तो स्मट फंगस भी इसी प्रकार का रस्ट की तरह मतलब इसका फिनोमेना होता है, आगे हम इसको डिटेल में आपको बताएंगे। नेक्स्ट हमारा जो है मिल्ड्यूज है, ये भी एक प्रकार का मतलब जो हमारे मोनोकॉटिलीडनस प्लांट होते हैं उसमें ये सब पैरासाइट बहुत ही तेज़ी से अपना इफेक्टिव मेजर शो करते हैं। नेक्स्ट हमारा वायरस है, वायरस को अभी हमने डिटेल आपको बता ही चुका हूँ। नेक्स्ट है हमारा और फैकल्टेटिव पैरासाइट। फैकल्टेटिव पैरासाइट मीन्स होता है कैन सर्वाइव विदाउट दियर होस्ट, ये बिना होस्ट के भी सर्वाइव कर सकते हैं, जिसकी वजह से इसको फैकल्टेटिव पैरासाइट बोला गया है। तो चलिए फैकल्टेटिव पैरासाइट देखते हैं। फैकल्टेटिव पैरासाइट की अगर हम बात करेंगे तो कैन नॉट सर्वाइव दियर होस्ट, कैन सर्वाइव विदाउट दियर होस्ट, ये बिना होस्ट के सर्वाइव कर सकते हैं, अभी मैंने बताया है। इसकी एग्जांपल की अगर हम बात करेंगे तो मॉस्किटो होगा और पेनिसिलियम ईस्ट होगा। तो मॉस्किटो को अभी ने बता ही दिया है कि मॉस्किटो जो होते हैं वो कैरियर होते हैं, एक प्रकार का वाहक होते हैं, जैसे कि यार कार बस व्हीकल जो वाहन है आपकी, ये प्रकार का कैरियर है, वाहन है, वाहक है, ले जाना आपको ढोती है। ऐसे हमारे मॉस्किटो होता है वो उस जर्म्स को, उस इफेक्टिव मेजर को वो लेकर आती है और उस ऑर्गेनिज्म में वो इंटर करा देती है और वो एक्टिव हो जाता है और उस ऑर्गेनिज्म को वो डिसऑर्डर करता है, बीमार कर देता है और उसको प्रभावित करता है। तो मॉस्किटो जो होता है वो मॉस्किटो के काटने से ना डेंगू होता है, ना मलेरिया होता है, ना फाइलेरिया होता है, ये बात आप पूरी दिमाग में रख लीजिए। तो चलिए तीनों पॉइंट को अगर हम बात करें, मॉस्किटो जो मतलब डर्टी प्लेस पर रहता है वहाँ से प्लास्मोडियम लेकर आता है, प्लास्मोडियम हमारा प्रोटोजोआन मेंबर होता है, यानी कि प्रोटोजोआन का सदस्य है, प्रोटोजोआ का एक प्रकार का सदस्य परिवार है जो प्लास्मोडियम है हमारा, वो प्लास्मोडियम जो होता है वो डर्टी प्लेस पे पाया जाता है, मॉस्किटो उसको लेकर आती है, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो प्लास्मोडियम को लाती है। ये भी पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा, जो फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो होती है वही प्लास्मोडियम को लेकर आती है और उसके वजह से मलेरिया कॉज होता है प्लास्मोडियम के वजह से, प्लास्मोडियम फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो लेकर आती है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो जो फाइलेरिया होती है, फाइलेरिया भी बीमारी मॉस्किटो के उस कीटाणु को लाने की वजह से होती है, जिसका नाम है उचेरेरिया वेनक्राफ्टी। उचेरेरिया वेनक्राफ्टी भी एक प्रकार का हमारा आस्के हेलमिंथिस से बिलोंग करता है, जो कि एक प्रकार का राउंड वर्म है। क्या है? राउंड वर्म है और ये आस्के हेलमिंथिस फाइलम आस्के हेलमिंथिस से बिलोंग करता है, उसका एग्जाम्पल है। तो ये फाइलेरियल वर्म जो होते हैं ये राउंड वर्म होते हैं और ये मॉस्किटो के माध्यम से आते हैं और हमारे बॉडी में ब्लड सक जब करती है मॉस्किटो और फिर वो इंटर कर जाते हैं और हमारे बॉडी को स्वेलन कर देता है, खासकर एब्डोमिनल रीजन में जो हमारे दोनों लेग्स होते हैं वो एलिफेंट की तरह स्वेलन कर जाते हैं, जो जस्ट लाइक एलिफेंट लेग,
और हाथी की तरह पैर हो जाते हैं हमारे, जिसके कारण हम फाइलेरिया को दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसका नाम है एलिफेंटियासिस, जिसको हाथी पाँव बोलते हैं। नेक्स्ट उसको हाथी पाँव हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको दिखाएंगे कि हाथी पाँव कैसे होता है, कैसे मतलब उसका साइन एंड सिम्टम्स, और कैसे लोअर एब्डोमेन स्वेलन कर जाती है। तो और नेक्स्ट जो डेंगू फीवर होता है वो फीमेल क्लूस मॉस्किटो जो होती है उस कीटाणु को लेकर आती है, और जिसके कारण डेंगू फीवर होता है। और डेंगू फीवर जब हो जाता है हमारे बॉडी में तो प्लेटलेट्स को वो डिग्रेडेड करने लगता है, प्लेटलेट्स को वो डिकम्पोज करने लगता है, और काउंट उसके प्लेटलेट्स की काउंट कम होने लगती है, जिसके कारण वो पेशेंट का डेथ भी हो सकती है। तो डेंगू बहुत ही फेटल डिसऑर्डर है, जानलेवा बीमारी है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे पेनिसिलियम, अगर हम पेनिसिलियम की बात करेंगे तो पेनिसिलियम इज अ टाइप ऑफ एंटीबायोटिक, दीज वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन वर्ल्ड वार सेकेंड, इसको वर्ल्ड वार सेकेंड वर्ल्ड वार में पेनिसिलियम को डिस्कवर किया गया था, क्योंकि जो सोल्जर थे, जो आर्मी थे, वो पूरी तरीके से घायल हो चुके थे, और ये पेनिसिलियम को उसके माध्यम से वहाँ पे खोजा गया। चलिए इसके बारे में डिटेल हम देखेंगे पेनिसिलियम क्या रहे हैं। पेनिसिलियम को आप जान लीजिए, पेनिसिलियम इज अ टाइप ऑफ एंटीबायोटिक। नेक्स्ट है हमारा ईस्ट, ईस्ट मीन्स होता है खमीर। ये जो खमीर होता है ये लार्ज स्केल पे बेकरी हाल में इसको यूज किया जाता है, जो भी हमारे मतलब बेक्ड प्रोडक्ट हैं उसमें इस्तेमाल किया जाता है। ये लोवर फूड को ये हाई स्वेलन कर देता है। जो डबल रोटी होता है थोड़े से लावे में और ये फूल जाता है, बड़ा सा डबल रोटी बन जाता है, ये इसी का रीजन होता है, ईस्ट की वजह से। ईस्ट इसको क्या कर देता है, उसको फुलाने का काम करता है। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू, हमारा मोटिवेशन यही है कि लगे रहिए और पढ़ते रहिए, जहाँ तक कोशिश हो पा रही है हम वहाँ तक आपको पूरी नॉलेज दे रहे हैं, ताकि आपका कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू नीट यूजी एग्ज़ाम रुक ना पाए। और भी ये सब जो भी फार्मा पैरामेडिकल कोर्सेस होते हैं, जितना भी पॉइंट अभी मैंने बताया है, जितने भी पैरामेडिकल कोर्सेस होते हैं, चाहे वो मेडिकल कोर्सेस होते हैं, ये आपको ये हमारी वीडियो पूरी कम्प्लीटली हेल्पफुल करेगी। और भी जो भी पॉइंट आपको नहीं समझ में आएगा, खान क्लासेस मुजीब सर आप टाइप करेंगे यूट्यूब पे और सर्च करेंगे, और खान क्लासेस के नाम से हमारी वीडियो मेंशन हो जाएगी। और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट करिए, ताकि हम इससे हमें मोटिवेशन मिले और ज़्यादा से ज़्यादा हम कोशिश कर सकें आपको सारी फंडामेंटल पॉइंट्स आपके सामने हम एक्सप्लेन कर दें, ताकि आपको एजुकेशन सिस्टम आसान हो जाए और आपकी स्टडी लेवल और मेंटेन हो जाए और पढ़ने में आपकी मोटिवेशन और बढ़ जाए। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू, बी फोकस्ड ऑन योर गोल्स, ऑन योर टारगेट, ऑन योर मिशन। कांग्रेचुलेशन, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू।